अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बेजुबान ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि नूर कुबरा की बातों में आ जाती है और किनारा और जारून से बदगुमान हो जाती है और जारून से कुबरा की बताई हुई बातों का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करती और दिल में ये बदगुमानी लिए कि जारून उसे छोड़ना चाहता है। नूर किसी से भी इस बात का जिक्र किए बगैर ही साहिर को देखने चली जाती है और साहिर को देखकर अपने दिल में कहती है कि मैं आपके होश में आने से पहले यहाँ से और जारून की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी ताकि मेरा नाम जारून के साथ जुड़ा रहे। नूर बहुत गलत सोचती है, हालांकि जारून भी नूर को चाहता है। साहिर नूर की मौजूदगी के एहसास से ही होश में आ जाता है। सलमान साहिब जब साहिर से मिलने जाते हैं तो उसे होश में देखकर बहुत खुश होते हैं और साहिर को घर ले आते हैं। कुबरा साहिर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सलमान साहिब साहिर से कहते हैं अपनी माँ से बात करो, मगर साहिर उनसे बात नहीं करना चाहता और सलमान साहिब से मुखातिब होते हुए कहता है माँ ऐसी नहीं होती। सलमान साहिब पूछते हैं क्या मतलब है बेटा इस बात का? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत तड़प रही थी। दूसरी तरफ जारून नूर के अस्पताल जाने की वजह से नूर से नाराज दिखाई देता है। नूर जारून से कहती है मैं आपकी तरह सब काम छुपकर नहीं करती, जो भी करती हूँ सबके सामने करती हूँ। जारून कहता है तो क्या तुम ऐलान करके गई थी कि तुम साहिर से मिलने जा रही हो? व्यूअर्स, अब जबकि साहिर भी घर आ चुका है, नूर कहाँ जाएगी? अपनी माँ के साथ या कहीं और? और साहिर क्या सलमान साहिब को अपनी माँ कुबरा के बारे में सब कुछ बता पाएगा? अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट देकर जरूर करें। हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।